हाँ जी, क्लास ट्वेल्थ की स्पीचों के स्पीच जिसमें वर्ड्स हैं 100, मार्क्स हैं आपके 7, ठीक है, टॉपिक है आपके द ड्यूटी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, द ड्यूटी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, द ड्यूटी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में 100 वर्ड्स लिखने हैं, चूँकि एक स्पीच है, क्योंकि स्पीच है तो हमको पहले एड्रेस संबोधित लाइन लिखनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी रेस्पेक्टेड सर, ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, रेस्पेक्टेड टीचर्स, एंड ऑल माई डियर स्कूलमेट, टुडे आई वुड लाइक टू गिव अ स्पीच ऑन द टॉपिक द ड्यूटी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इफ आई डू एनी मिस्टेक प्लीज फॉरगिव मी। ये एड्रेसिंग लाइन होती है, एक सिंपल तरीके से बोली जाने वाली एड्रेसिंग लाइन, जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं कि थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कि मुझे एक ये स्वर्ण अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सम्माननीय आदरणीय प्रिंसिपल सर, सम्माननीय टीचर्स और सभी मेरे स्कूल साथियों, प्रिय स्कूल साथियों, आज मैं एक टॉपिक पर स्पीच देना चाहूँगा या चाहूँगी, द ड्यूटी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इफ आई डू, यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना कृपया। यहाँ पर अपना नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, माई नेम इज अशोक गुप्ता, क्लास 12th, साइंस मैथ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये एड्रेसिंग लाइन लिखनी है, संबोधित करने वाली। आगे देखिए, फिर हमको यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना है। द ड्यूटी एज ए सिटीजन of India यानी जो कर्तव्य है एक नाग भारतीय के नागरिक के रूप में is more essential than things
यानी सोचने से ज़्यादा काफ़ी मोर असेंशियल देन थिंग, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सोचने से ज़्यादा। फिर इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिविजुअली यानी इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत तौर पर यदि हम बात करें इफ वी टॉक अबाउट इंडिविजुअली बीइंग ए स्टूडेंट माई फर्स्ट ड्यूटी इज टू स्टडी ऑनेस्टली। तो फर्स्ट जो ड्यूटी है वो है बीइंग ए स्टूडेंट, माई फर्स्ट ड्यूटी इज टू रीड टू स्टडी ऑनेस्टली, ईमानदारी से अध्ययन करना। ये हमारी एक स्टूडेंट के रूप में प्रथम हमारा कर्तव्य है। इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेट देयर आर many duties as a citizen। ठीक है, तो यहां पर हमको ये बताना है, देखिए किस प्रकार से the duty एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के एक नागरिक के रूप में जो कर्तव्य हैं वो सोचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिविजुअली, यदि हम बात करते हैं व्यक्तिगत तौर पे कि एक स्टूडेंट की जो पहली ड्यूटी होती है वो है कि पढ़ाई करे ईमानदारी से। संवैधानिक फॉर्मेट में, संवैधानिक प्रतिरूप में कई प्रकार की ड्यूटी हैं, कई प्रकार के कर्तव्य है एक सिटीजन के रूप में। तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है, मूलभूत जो कर्तव्य हैं, उनको वर्णित किया गया है एक नैतिक बाध्यता के रूप में सभी सिटीजन्स के लिए। सभी सिटीजन की एक नैतिक बाध्यता हो जाती है कि वो मदद करे आगे, प्रमोट आगे बढ़ाने में स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म यानी देशभक्ति की भावना को आगे बढ़ाने में, और अपहोल्ड बनाए रखें भारत की एकता को। दीज ड्यूटीज सेट आउट इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भारत के जो संविधान है उसके भाग 4 में ये सारी चीज़ें वर्णित हैं। तो कुल मिला के देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो इसमें ही सारी ड्यूटी आ जाती है। देखो ड्यूटी 11 है लेकिन उन्हीं में ही सब कुछ निहित है। जैसे कि हम प्लेज बोलते हैं, प्लेज ए स्टूडेंट इन स्कूल स्पीक्स डेली अ प्लेज, स्पीक्स द प्लेज यानी प्रतिज्ञा कि इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है,
तो वो प्रतिज्ञा, अब उस प्रतिज्ञा में काफी सारे कर्तव्यों के बारे में बताया जाता है। जैसे अगर हम एक एक की बात करें, दे आर सच एज टू रेस्पेक्ट द इंडियन द नेशनल एंथम, ठीक है, कि राष्ट्रगान का टू हेल्प टू हेल्प या फिर हेल्प टू प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी, या फिर हेल्प टू प्रोटेक्ट नेशनल या फिर हेल्प टू प्रोटेक्ट द वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, ये दो तीन इसी में ही। अब कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज के अधिकार भी बताए गए हैं और कर्तव्य भी बताए गए हैं। जैसे कि अब देखो, संविधान किस प्रकार बने रह सकता है जब व्यक्ति अपने ईमानदारी से काम करे। मैंने शुरुआत में इसमें बोल दिया था कि हमें हर प्रकार से जो हमारा कर्तव्य है, एज ए टीचर हो चाहे एज ए स्टूडेंट हो, उनको हमें कानून के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत अपने कार्यों को निर्वहन करें, तो हमें उन सभी 11 कर्तव्य को पूरे पूर्ण रूप से हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब जो शब्द तो 100 ही हैं, इसलिए हम ज़्यादा नहीं लिख सकते। हम अंत में कहेंगे कि वी मस्ट फॉलो द फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। इस प्रकार से आपके ये 100 वर्ड्स में कंप्लीट करना है आपको। हाँ जी, देखिए, एक नोटिस लिखना है हमें। क्या प्रश्न है कि राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल टू डिपॉजिट देयर एग्जामिनेशन फीस लेटेस्ट अप टू 31, अभी क्या लास्ट डेट है, 22 दिसंबर 2020, ठीक है। तो इस बारे में हमें एक नोटिस तैयार करना है। किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले स्कूल का नाम JD सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़ अलवर, ठीक है।
बिफोर मांडा हॉस्टल गोल मार्केट राजगढ़। यहाँ पर डेट लिख देंगे 20 दिसंबर 2020। फिर लिखेंगे नोटिस यहाँ पर, टॉपिक लिखेंगे द लास्ट डेट ऑफ एग्जाम फीस। किस प्रकार से कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड डेट योर लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन, लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन फीस, योर लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन फीस योर लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग एग्जामिनेशन फीस इज 22 दिसंबर 2020। ठीक है, आपको क्या करना है, इफ एनी स्टूडेंट, इफ एनी स्टूडेंट इज रिमेन टू फिल द फॉर्म ऑफ बोर्ड एग्जाम ही और शी विल बी फाइन विद एक्स्ट्रा चार्जेस। ₹200 The final last date is 31 December with fine. All of you are advised to deposit the exam fee in time. PTI Pramod Singh, काउंटर साइन बाय प्रिंसिपल सर। इस प्रकार से सभी स्टूडेंट्स को सूचित किया जाता है कि आपकी आखिरी डेट है एग्जामिनेशन फीस को जमा कराने की है 22 दिसंबर 2020। इफ़ एनी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट यदि रह गया है टू फिल द फॉर्म बोर्ड एग्जाम का, तो ही और शी विल बी फाइन
विद एक्स्ट्रा चार्जेस, तो उसको भुगतान, तो उससे भुगतान किया जाएगा, उसको जुर्माना लगाया जाएगा एक्स्ट्रा चार्जेस के से 200 रुपीज़ का। फाइनल जो आखिरी लास्ट डेट है 31 दिसंबर है, वो भी जुर्माने के साथ है। फाइन यानी जुर्माना भरना पड़ेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि अपन जैसे पेनल्टी जिसको बोलते हैं ऑल ऑफ यू आर, इसलिए सभी से ये सलाह दी जाती है कि अपनी डिपॉजिट फीस है एग्ज़ाम की, वो समय के अंदर समय रहते जमा कराएं। ठीक है।